गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यौडे घोषणा के बारे में। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री कैमरून की राजधानी यौडे में एकत्रित हुए। इन्होंने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या साल 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 249 मिलियन हो गई। वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 95% मौतें अफ्रीका में होती हैं। यौडे घोषणा का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ वित्त पोषण, अनुसंधान और नवाचार के लिए साझेदारी को भी बढ़ावा देना शामिल है। घोषणा के बावजूद विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जरूरत पर बल देते हैं। वहीं साल 2030 तक मलेरिया को नियंत्रित और समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के लक्ष्य में महत्वपूर्ण वित्तीय अंतराल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बुनियादी मलेरिया सेवाओं को बनाए रखने के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। आइए जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान जैसी समस्याएं शामिल हैं। ये थी कुछ जानकारी यौडे घोषणा के बारे में, जो हाल ही में कैमरून की राजधानी यौडे में इसकी घोषणा की गई है।